बाहरी जीत के चला जाता है, फिर नवादा वापस मुड़ करके देखता भी नहीं है। चवन कुशवाहा जी यही के आपके घर के बेटे हैं, नौजवान हैं, गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लेने का काम किया। शायद अंडों बेचे हैं, अंडा बेचते थे, यानी गरीबी इन्होंने देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये जीत के जाएंगे तो नवादा में नेता बनकर के नहीं बल्कि बेटा बनकर के आप लोगों का सेवा करेंगे। हम आपके हौसले को, जज्बा को सलाम करते हैं। देखिए, चुनाव होने जा रहा है, 19 तारीख को मतदान है। का संदेशा लेके आए हैं कि आप लोग भारी मतों से श्रवण कुशवाहा जी को विजय बनाने का काम करें और आने वाले 19 तारीख को लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। तो चुपचाप, पीछे से भी आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। और देखिए, श्रवण कुशवाहा जी यही के नवादा के बेटे हैं। बीजेपी के लोग बाहरी जीत के चला जाता है, फिर नवादा वापस मुड़ करके देखता भी नहीं है। श्रवण कुशवाहा जी यही के आपके घर के बेटे हैं, नौजवान हैं, गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लेने का काम किया। शायद अंडा बेचते थे, यानी गरीबी इन्होंने देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये जीत के जाएंगे तो नवादा में नेता बनकर के नहीं बल्कि बेटा बनकर के आप लोगों का सेवा करेंगे। दूसरी तरफ देखिएगा तो जो प्रत्याशी आए हैं, बहुत लोग उनका होगा, आप उनको ढूंढे, लेकिन श्रवण जी को तो आपका घर को पता है, ये यही रहेंगे, आपके बीच रहेंगे, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आज भाजपा के लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए क्या घोषणा करते हैं कि देखा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं था, नौजवान के लिए कुछ नहीं था, ना नौकरी की बात थी, ना हमारे किसान की बात थी, ना बिहार की बात थी, ना महंगाई कम करने की बात थी, ना गरीबी मिटाने की बात थी। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई जब 17 महीने जब काम करने का मौका मिला तो इसी मैदान में 20 में हम आए थे, हमने वादा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? दो चार सीट इन्होंने करके बेमानी कर दिया, 3-4 सीट के वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब चाचा जी भाजपा से पलट के इधर आए, दोबारा हमसे माफी मांगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाजपा को रोकना था। बात जो कैंडिडेट है उसी का, आप देखिएगा कि उन 17 महीने जो मौका मिला, उस 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 10 लाख हो गया होता। हम लोगों ने चाहे जीविका दी हो, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमने वादा किया था इसी मैदान से कि स्वयं सहायक समूह के मानदेय को हम लोग दुगुना करेंगे। उन 17 महीनों में हमने वो काम करके दिखाया। हमने यहाँ वादा किया था 2020 में कि जितने नियोजित शिक्षक
4.5 लाख जिनकी संख्या है उन सबको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। इस 17 महीने में उन नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का भी दर्जा देने का काम किया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, बिहार में निवेश आए इसलिए उद्योग लगे, 50,000 करोड़ का निवेश का एमओयू हम लोगों ने साइन करवाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाए, यानी जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला और जो खेला कूदा जो मेडल लेके आया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।